किस मामले में गिरफ्तार किया? ये परसों की वारदात है, कल हमारे को मेमो मिली और हमारे इंजीनियर हैं SSC, उन्होंने बताया कि भाई मैंने कुछ प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में कुछ काम कराया था तो कुछ पाइप कटवा करके रखवा दिए थे और वो पाइप मिल नहीं रहे हैं। तो वो जहाँ रखवाए थे पाइप वो जगह लोकेशन CCTV की जद में थी। हमने CCTV तुरंत चेक किया और मुकदमा दर्ज करके CCTV के फुटेज देख करके मामले की तस्दीक हुई। तो हम मुखबिरों से संपर्क किया कि आदमी कौन है जो ट्रैक्टर में ट्रॉली में भर के ले जा रहा है सामान को, तो उससे हमें सुराग मिला और हमने इस आदमी को पकड़ा। इसमें एक ट्रैक्टर चालक है जो यहाँ विभिन्न कॉन्ट्रैक्टरों के अंडर में काम कर चुका है और रेलवे की पूरी लोकेशन से ये वाकिफ है। इस जहाँ भी ये स्क्रैप मिलता था मैं ले जाता था। कल मतलब 19 तारीख को भी इसने ऐसा किया, वो लोहे के पाइप और मल्टी लेवल पार्किंग है वहाँ से उन्होंने लोहा के गेट वगैरह उठाए और करीब 400 किलो लोहा और मदार में एक धनेश कबाड़ी है उसको जाके बेच दिया। उसको भी हमने पकड़ लिया है। मामले पे पूर्व बरामदगी हो गई है। 16,000 रुपये के करीब की वैल्यू है इसकी। सर क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? ये जो एक्यूज है जो ट्रैक्टर वाला है इसका नाम है देवा सिंह और ये है खाजपुरा आदर्श नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली चलवाता था, इसका पिता भी चलवाते थे पहले पिता ने अब धंधा छोड़ दिया है ये और ये चलवाता है ट्रैक्टर ट्रॉली। दूसरा आरोपी है धनेश जैन, वो है इसका केशरगंज का है और रहने वाला और आदर्श नगर में उसने अपना पाड़ा बना, इसमें सॉरी मदार में अपना पाड़ा बना रखा। सर इनको कहाँ से गिरफ्तार, कहाँ से पकड़ा? इनको हमने जैसे हमें CCTV फुटेज की सहायता से हमने पकड़ा इसको, जैसे CCTV फुटेज मिली तो हमने इसकी पहचान कराई, तो कुछ लोग जानते थे इसको और उन्होंने हमें सुराग दिया कि ये आदमी अब कहाँ वहाँ काम कर रहा है। ये रेलवे अस्पताल के पास एक मंडी लगती है, वहाँ से हमने पकड़ा इसको। सर पूर्व में भी कुछ है इनके? अभी तक तो कल का ही पता चला है और जांच चल रही है। क्या न्यायालय में पेश करेंगे? हाँ न्यायालय में पेश करेंगे। ठीक है सर।